गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे संबोधन कारकम, यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो संबोधन कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं हे, भो, अरे, ओ, रे। इन चिन्हों के द्वारा संबोधन कारक को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। लेकिन हम संबोधन कारक का चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, एक उस स्थिति में जब हम उस व्यक्ति को, व्यक्ति के नाम को नहीं जानते, और दूसरा कोई व्यक्ति को जब हम बुलाते हैं, उसको बुलाने के लिए, उसको पुकारने के लिए हम क्या करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैं राम को बुला रही हूँ तो मैं बोलूँगी हे राम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। मैं बोलूँगी हे सीते, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक का चिन्ह पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका नाम आएगा। और अगर हम किसी व्यक्ति के या किसी के नाम को नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, अरे सुनना, हे सुनो, अरे इधर आना, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या है, संबोधन कारक है। जो संबोधन कारक के जो रूप हैं वो प्रथमा विभक्ति की ही तरह चलते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति के रूप चलते हैं, वैसे ही किसके रूप भी चलते हैं, संबोधन कारक के रूप भी चलते हैं। लेकिन उनसे पहले क्या जुड़ जाता है, उस नाम से पहले जिसकी हमने क्या बनाई है, विभक्ति बना रहे हैं, उस नाम से पहले संबोधन कारक चिन्ह जुड़ जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में हम राम शब्द के रूप लगाते हैं, रामो, रामौ और रामा। लेकिन जब हम संबोधन कारक में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हे राम, हे रामो और हे रामा। केवल उनसे पहले किस शब्द का, कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, हे जुड़ जाएगा, अरे रामो, अरे रामाओ और अरे रामा, उससे पहले किस शब्द का प्रयोग हो जाएगा, उसका विभक्ति चिन्ह जुड़ जाएगा। संबोधन शब्दों के रूप में प्रथमा विभक्ति की तरह चलते हैं, केवल एक वचन के रूप भिन्न भिन्न क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा है देखो संबोधन कारक, हे बालक हो तुम कुत्र गच्छसि, हे बालक तुम कहाँ जाते हो। अब हम संबोधन कारक देखो, पूछ रहा है हे बालक, यानी बालक क्या है, एक वचन है, लेकिन वो उससे पहले उसे क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, हे बालक। चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, सब में क्या होता है, हे अर्थ क्या होता है, हे ही होता है। हम हिंदी में भी बोलेंगे तो हे ही बोलेंगे, और संस्कृत भाषा में भी बोलेंगे तो हे ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, हे बालको त्वं कुत्र गच्छसि, कि तुम कहाँ जाते हो। तो बालक कहता है श्रीमान अहम विद्यालयम गच्छामि, श्रीमान मैं विद्यालय जाता हूँ। वहीं जो दूसरा पुरुष है यानी कि आदमी है, वो बोलेगा हे बालिके। अब देखो एक वचन में भी हे आया, द्विवचन में भी क्या आया, हे ही आया। यहाँ पे बालिके, बालिका शब्द का द्विवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालिके, हे बालिके त्वं कुत्र आगच्छसि, तुम कहाँ से आती हो। कह रहा हे बालिके तुम कहाँ से आती हो, तो कहता है बालिका, तो लड़की कहती है श्रीमान, यानी कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति को आदर स्वरूप बोलते हैं तो वहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहम स्वगृहात आगच्छामि, मैं स्वगृहात मीन्स अपने घर से आती हूँ। तो कहती है स्वगृहात, देखो यहाँ पर कौन सा है, अपादान कारक है, वो स्वगृहात, तो वो क्या हो जाएगा, मैं अपने घर से आती हूँ। जनक, जनक का मतलब होता है पिता या कोई सम्माननीय व्यक्ति। हे पुत्रो, तो जनक यानी पिता अपने पुत्रों से कहता है, पुत्र का द्विवचन क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाए। युवाम किम खादतो, यानी तुम दोनों क्या खाते हो। तो सुयस कहता है तात, यानी कि यहाँ पर भी कहे तात का अर्थ क्या होता है, देखो तात का अर्थ हम संस्कृत में तात शब्द किसके लिए यूज करते हैं, संस्कृत भाषा में जब हम किसी सम्माननीय व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है तात अहम कंदली फलम खादामि, मैं क्या कर रहा हूँ, कंदली फलम माने केला खा रहा हूँ। तो सुदेश कहता है पिता अहम आम्रम खादामि, पिता मैं क्या खा रहा हूँ, अहम का मतलब मैं, आम्रम खादामि मैं आम खाता हूँ। सुयस कहता है तात त्वं किम आन्यसि, सुयस तात यानी कि
जब हम किसी बड़े को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तात शब्द का प्रयोग होता है। तुम मीन्स तुम, किम मीन्स क्या, अन्य से मीन्स लाते हो, तुम क्या लाते हो। तो जनक पिता कहता है पुत्रो अहम मोदकानि आनयामि। तो पुत्रों यानी अपने बेटे दो पुत्र हैं, दो के लिए वो संबोधित कर रहा है, मैं मोदकानि यानी लड्डू आनयामि लाता हूँ। मैं क्या लाया हूँ, लड्डू लाया हूँ, आनयामि यानी लाया हूँ, मैं लड्डू लाया हूँ। अब देखो पिको हे सुको, सुख का मतलब होता है, सुख का मतलब होता है तोता, मम वर्णो श्यामो। तो पिक मीन्स पिको का मतलब क्या होता है, कोयल, और सुको का मतलब होता है तोता। तो कह रहा है हे कोयल, हे पिक यानी कोयल किससे कह रही है, तोते से कह रही है कि हे सुख मम वर्णो श्यामो, मेरा वर्ण, मम का मतलब होता है मेरा, वर्ण मीन्स रंग, श्याम मीन्स काला, अस्ति मीन्स है, मेरा रंग क्या है, काला है। त्वम को वर्णो कि तुम्हारा रंग कैसा है, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। तो सुको कहता है यानी कि सुख का मतलब क्या होता है, तोता कहता है हे पिको, हे पिक यानी हे कोयल, मम वर्णो हरितो अस्ति, मेरा रंग कैसा है, हरा है। तो पिको, अब पिको जो पिक है यानी कि पिको यानी कि कोयल किससे कहती है, हे मयूरो, द्विवचन है, दो मोर है तो द्विवचन है, हे मयूरो हे मोरो, अहम फलामि खादामि, हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, युवाम किम खादतो, तुम दोनों, युवाम का अर्थ क्या हो जाएगा, तुम दोनों क्या खाते हो, हम क्या खाते हैं, मैं तो क्या खाती हूँ, फल खाती हूँ, मैं फल खादामि खाती हूँ, युवाम किम खादतो, तुम दोनों क्या खाते। तो मयूर मोर कहते हैं हे पिको यानी हे कोयल, आवाम हम दोनों क्षेत्रेषु यानी खेतों में, बीजानि खादावो, हम दोनों खेतों में क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। अब पिको कहती है, कोयल कहती है हे काका यानी कौवे को कहती है, हे काका यानी कि बहुत सारे कौवे हैं, वयम मधुरा वदा, हम सब क्या करती हैं, मधुर यानी कि मीठा बोलती हैं, वदामो मीन्स बोलती हैं, यूयम मधुरो किमर्थो न वदतो, यूयम मीन्स तुम सब, मधुरो मीन्स मीठा, किमर्थो क्यों नहीं, न वदतो क्यों नहीं बोलते हो। कोयल किससे कह रही है, कौवे से कह रही है कि मैं, हम सब तो क्या करते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन तुम क्यों मीठा नहीं बोलती। तो का कहते हैं रे पिका यानी कि पिका बहुवचन शब्द है, तो बहुत सारी कोयल हैं, तो रे पिका यूयम व्यर्था गर्विता, यूयम मीन्स तुम शब्द, व्यर्था मीन्स व्यर्थ में, गर्विता मीन्स घमंड करती हो, इस्तो मीन्स हो, तुम व्यर्थ में ही घमंड करती हो, वयम हम सब अपि भी मधुरम एवदाम, हम सब भी क्या करते हैं, मधुर बोलते हैं। तो थैंक यू क्लास, यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म हुआ, आपको इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं और बाकी एक्सरसाइज में आपको आगे कराऊंगी। ओके थैंक यू क्लास।